गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल टू गेट माय अपकमिंग वीडियोस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के प्रोज का लेसन 2, जिसका नाम है ए फेलो ट्रेवलर। इसका एक पार्ट मैं बना चुका हूँ और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये दूसरा पार्ट है, यहाँ से हम पढ़ेंगे ऑन दिस नाइट। तो चलिए इसको बेहतर तरीके से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले पार्ट में लेखक कहता है कि जो ये डोरा है कि वह डोरा के नियमों को तोड़ सकता था। कहता है कि ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स। ऊपर दिए गए जो चीजें हैं, जो लेखक ने कहा है, करा कि मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया एनी ऑफ दिस थिंग्स, कोई भी ऐसी चीज। यानी कि इस रात को मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं की। दे डिड नॉट हैपन टू ओकर टू मी, कहने का मतलब है कि मुझे ऐसा करने का नहीं सूझा। दे डिड नॉट हैपन टू ओकर टू मी, मुझे ऐसा करने का नहीं सूझा। व्हाट आई डिड व्हाट मच मोर ऑर्डिनरी, और जो मैंने किया हुआ तो बहुत साधारण चीज थी। When the last of my fellow passengers had gone, कहता है कि जब मेरा अंतिम जो सहयात्री था, had gone, वह चला गया, I put down my paper, मैंने अपना अखबार नीचे रखा, stretched my arms and my legs, अपने हाथ पैर फैला करके मैंने अंगड़ाई लिया, stood up and looked out of the window, मैं खड़ा हो गया और खिड़की के बाहर झांका। ऑन द काम समर नाइट, काम मतलब शांत ग्रीष्मकालीन की रात्रि, यानी कि उस ग्रीष्मकालीन शांत रात को मैं देखा। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिसमें मैं यात्रा कर रहा था, यानी कि मैं उस ठंडी ग्रीष्मकालीन रात्रि को देखा जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिसेंस ऑफ द डे, रेमिनिसेंस का मतलब हो जाएगा स्मृति या यादगार। ऑफ द डे यानी कि उस दिन का, दैट स्टिल लिंगर, जो लिंगर मतलब प्रतीक्षा करना, यहाँ मतलब यह है कि जो स्टिल मतलब अब भी बनी हुई थी, इन द नॉर्थर्न स्काई, उत्तरी आकाश में, यानी कि उस दिन की जो हल्की पीली यादें थी वह अब भी उत्तर की तरफ आकाश में बनी हुई प्रतीत हो रही थी। क्रॉस द कैरिज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, मैंने क्या किया कि अपने कैरिज अपने डिब्बे को पार किया और दूसरे डिब्बे में जा करके अदर विंडो मतलब वहां की दूसरी खिड़की से मैं देखा। लीट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाया, सेट डाउन, बैठ गया, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और पुनः अपना अखबार पढ़ने लगा। It was then that I became aware of my fellow traveler. करा कि तब मुझे अवेयर मतलब आभास हुआ, my fellow traveler मेरे सहयात्री से, तब मुझे लगा कि मेरे साथ इस डिब्बे में कोई और भी है। He came and sat on my nose, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। He was one of those wingy, nippy, intrepid insects that we call waggly mosquitoes. देखिए, he was one of those, वह उनमें से था, विंगी मतलब जो पंख वाले होते हैं, निप्पी मतलब तेज होते हैं, intrepid insects निडर कीड़े, intrepid निडर, that we call जिसे हम पुकारते हैं, waggly मतलब स्पष्ट रूप से या साधारण रूप से, मॉस्किटोज मतलब मच्छर, जिसे हम साधारण रूप से मच्छर पुकारते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, फ्लिक्ड हिम मतलब भगाया, मैं उसे अपनी नाक से भगाया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने डिब्बे का एक टूर मतलब छोटी यात्रा किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स थ्री डायमेंशंस, और उसने इन्वेस्टिगेटेड निरीक्षण किया, इट्स मतलब इसके थ्री डायमेंशन, तीनों बीमाओं में, तीनों बीमाओं का मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में।
विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की के पास गया, फ्लटर्ड राउंड द लाइट, प्रकाश के पास फड़फड़ाया। प्रकाश का मतलब जो उस ट्रेन में बल्ब लगे हुए थे उस बल्ब के पास फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, यह निर्णय किया कि कोई भी चीज उतनी इंटरेस्टिंग मतलब उतनी रुचिकर नहीं है एज दैट लार्ज एनिमल, जितना कि यह लार्ज एनिमल विशाल पशु है। लेखक अपने आप को विशाल पशु कहता है। इन द कार्नर, जो उस कार्नर में बैठा हुआ है यानी कि उसकी नजर में, मच्छर की नजर में वह जो लेखक था वह एक विशाल प्राणी के समान था, वह कोने में बैठा हुआ था। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, मच्छर क्या किया, आया और मेरे गर्दन का लुक अवलोकन किया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः भगाया। ही स्किप्ड अवे, वह बच निकला। टूक अनादर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, और क्या किया, अनादर मतलब दूसरी, जॉन्ट मतलब छोटी यात्रा, फिर उसने दूसरी छोटी यात्रा की राउंड द कंपार्टमेंट मतलब उस डिब्बे में। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ, वापस आया और बैठ गया। इम्पूडेंटली मतलब धृष्टता पूर्वक या अभद्रता पूर्वक। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे। इट इज इनफ, लेखक कहता कि मैंने उससे कहा, इट इज इनफ, हद हो गया। आई सेड, मैंने कहा कि हद हो गया। मैग्नेनिमिटी ही हैज इट्स लिमिट्स, मैग्नेनिमिटी मतलब होता है उदारता, उदारता की भी हद होती है, एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्ड, दो बार तुम्हें चेतावनी दिया गया। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ, पर्टिकुलर मतलब विशेष, मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन, कि मेरा जो अगस्ट पर्सन मतलब जो शानदार व्यक्तित्व है, रिसेंट्स मुझे मना करता है। द टिकलिंग मतलब गुदगुदाने वाली। इम्पर्टिनेंस, इम्पर्टिनेंस मतलब हो जाए बेहूदगी या बदतमीजी आप स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों से। कहता है कि मेरा जो शानदार व्यक्तित्व है वह ये गुदगुदाने वाली बदतमीजी पर नाराजगी प्रकट करता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ। काली टोपी धारण करने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से एक न्यायाधीश जब किसी को मौत की सजा सुनाता है तो वह काली टोपी धारण करता है, तो वही कहता है कि मैं एक काली टोपी धारण करता हूँ यानी कि मैं एक न्यायाधीश की भूमिका निभाता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मौत की, कंडेम मतलब सजा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, और न्याय इसकी मांग करता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे अवार्ड्स करता है, प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे विरुद्ध जो काउंट्स मतलब जो गंभीर दोष है वह बहुत ज्यादा है, यानी कि तुम्हारे प्रति अनेक आरोप हैं। जैसे यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम लोगों को तंग करने वाले हो, लोगों की नाक में दम करने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, और तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई मीट कूपन भी नहीं है। थोड़ा इसके बारे में देखिए, मीट कूपन क्या है। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय इंग्लैंड में मांस चीनी आदि खरीदने के लिए एक राशन कार्ड बनाया गया था, तो वही कह रहा है कि तुम्हारे पास वह मीट कूपन भी नहीं है। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडेमिनर्स, इसके लिए और अन्य, मिसडेमिनर्स मतलब हो जाएगा गैर कानूनी काम, इसके लिए और अन्य गैर कानूनी कामों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्टक ए सूट, मैंने तेजी से प्रहार किया। लेथल ब्लो मतलब घातक, जो ब्लो मतलब गुस्सा होता है। विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ के गुस्से से मैं घातक प्रहार किया। ही डॉज्ड द अटैक, डस्ट का मतलब होता है धूर्तता से बच जाना,
वह धूर्तता पूर्वक बच गया। द अटैक मतलब मेरे आक्रमण से। विथ एन आइसोलेंट इज आइसोलेंट अपमानजनक तरीके से। दैट ह्यूमिलिएटेड मी जो जिसकी वजह से मुझे अपमान महसूस हुआ। माय पर्सनल वैनिटी वाज अराउज और जो मेरा व्यक्तिगत गर्व था। अराउज मतलब जग गया, यानी कि मेरा व्यक्तिगत गर्व जग गया, जिसको हम बोलते हैं कि मेरा जमीर जग गया। आई लंग्ड एट हिम, देखिए आई लंग्ड एट हिम, मैं उस पर फुर्ती से झपटा। विथ माई हैंड अपने हाथ से, विथ माई पेपर और अखबार से, यानी कि अपने हाथ से अखबार से मैं इसके ऊपर झपटा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर उछल पड़ा। एंड परस्यूड ही, मैं उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ। आई एडॉप्टेड टेक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, करा कि आई एडॉप्टेड मैंने अपनाया। टेक्टिक्स मतलब चतुर चाले। आप फेलाइन कनिंग मतलब जो बिल्ली की चतुर चालें होती है, मैंने उसको अपनाया, यानी कि बिल्ली की चतुर चाल की तरह मैं उसके पीछे पड़ा, जैसे बिल्ली चूहे का पीछा करती है। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, मैंने उसकी प्रतीक्षा की जब तक कि वह एलाइटेड मतलब उतरा नहीं, यानी कि जैसे वो बल्ब से नीचे नहीं आया तब तक मैंने उसकी प्रतीक्षा की। अप्रोचिंग विथ अ हॉरिबल स्टेल्दीनेस, मैंने उसका पीछा किया। अप्रोचिंग मैंने उसका पीछा किया, हॉरिबल मतलब भयानक तरीके से, और स्टेल्दीनेस मतलब चोरी से, मैंने चोरी से और भयानक तरीके से उसका पीछा किया। स्ट्राइकिंग विथ अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, मैंने उसके ऊपर स्ट्राइकिंग प्रहार किया। विथ अ सडन मतलब अचानक से, एंड टेरिबल मतलब भयानक, स्विफ्टनेस मतलब तेजी से, मैं अचानक से और भयानक तेजी से उसके ऊपर प्रहार किया। इस लेसन का एक पार्ट अभी बचा हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर के आप लोग उस वीडियो को पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा।